तो अभी फिलहाल हम लगान के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि ये स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन कर रही है, फिर भी वो कहीं पर भी होगी, हम बुलाएंगे ना तो आकर लगाम तो जरूर गुड़ी ले जाएगी। चलो बेटा। चलो बेटा ले ले। देखा, ये देखा, बहुत ही आराम से उसने लगाम ले लिए, ठीक है। उसको बाहर नहीं जाना हमने। चलो बेटा, बस अब ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो एक सेकंड, इसको अंदर डाल देता हूँ। चलो बेटा, पीछे जा। तो आपको पता होगा कि जिन लोगों को दिक्कत होती होगी, तो जब भी कीले से बांध कर रखते हैं ना घोड़ी, फिर भी लगाम नहीं लेती। आपको मालूम होता है कि लगाम देने के लिए आप रूम में जाओ तो वो घूम जाती है, लात लगाने आती है, काटने आती है, वैसा सब कुछ करती है। लेकिन अपना ऐसा नहीं है, जैसे ही बुलाते हैं ना तो घोड़ी आके लगाम दी जाती है। पर आगा निकालिए। और फिर दुर्गा बेटा, ओए चला जा, आ जा बेटा, चला जा, आ जा आ जा आ जा, चला जा। देखा आपने, बुलाने पर आ गई है ना। तो ये सब कुछ ट्रेनिंग की वजह से होता है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप एक बात समझ लो कि जब भी आपकी घोड़ी नई हो, फर्स्ट टाइम आप उसको लगाम दे रहे हो, तो उसको ऐसे प्लेन, ये देखा, बिल्कुल सादी लगाम दे, जिससे उसके मुंह में कोई भी जात का दर्द या तकलीफ ना हो। उसके बाद पहली बार ही ऐसा नहीं कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लगाम लगाते हैं, घोड़े को काम शुरू कर देते हैं, काम देना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है वो मानसिक रूप से टूट जाता है। उसको पता चल जाता है कि भाई ये लगाएंगे तो अब मुझे वर्क ही वर्क करना है, तो उसकी वजह से घोड़ा लगाम लेने के लिए नहीं आता है। अब ये घोड़े बहुत भी समझदार होते हैं, तो आप जब भी पहली बार उसको लगाम डालो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये प्लेन यानी कि सादी बिट डालो। उसके बाद उसको किले से बांधकर मानो कि लगाम दी, तो फिर 2-4-5 मिनट रखो, उसके बाद निकाल दो, उसको गुड़ खिलाओ तो उसको अच्छा लगेगा। ऐसा एक सप्ताह के लिए करो, उसके बाद उसको लगाम चढ़ा के कहीं पर भी घुमाने के लिए ले जाओ, और 1-8 किलोमीटर अच्छी जगह पर घुमा के ले आओ, उसको वर्क मत दो। तो ऐसा आप 10-15-20 दिन करोगे ना, तो फिर वो लगाम एक्सेप्ट करने लग जाएगी। और एक चीज़ के जैसे कि यहाँ पर खुली छोड़ी है और अभी तो ये सेट हो चुकी है, ठीक है, इसको मैं वर्क कराना हो तो ये आके लगाम तो ले रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खुली छोड़ी हो तो उसको यहाँ से ले जाकर सीधे सीधा काम पर नहीं ले जा सकते हम, ठीक है। तो इसको पहले तो यहाँ से छोड़कर कहीं पर किले से बांध दो, उसके बाद उसको काम पर ले जाओ। दूसरा कि यहाँ से कहीं पर भी बदलना हो तो अलग लगाम का यूज़ करो, और वर्क कराते सब अलग लगाम का यूज़ करो, क्योंकि वो भी समझते। अभी आपने देखा कि वो आके लगाम ले गई, लेकिन हो सकता है कि मैं उसको दूसरी लगाम डालूँगा शायद, तो अगर उसको पता चल जाएगा कि मेरे को वर्क करा है, फिलहाल तो नहीं करा रहा हूँ लेकिन समझ के काफ़ी है ये, तो हो सकता है कि काफ़ी बार कि वो जो वर्क वाली लगाम हो ना वो लेने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, चलो बेटा ये आ चुकी है, क्योंकि इसका वर्क काफ़ी टाइम से बंद है। चल बेटा ले 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 बेटा ले ले बेटा दुर्गा, चल बेटा शाबाश, ठीक है, इसने ले लिया है। वरना क्या होता है कि काफ़ी टाइम वर्क देते हैं ना तो घोड़े लगाम नहीं लेते हैं। बस धीरे से बेटा, ऐसा निकाल। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो कि किसी का घोड़ा हो अगर ऐसा करता है कि ये वर्क के लिए लगाम नहीं लेता है, तो उसके लिए दूसरी लगाम रखो आप, ठीक है। तो वैसा करने से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखो। और अगर नहीं लेता है आपका घोड़ा, मान लो कि बड़ा हो चुका है, लगाम देते हो लेकिन नहीं लेता है, तो उसको भी ऐसा करो, अच्छी सी लगाम दो, थोड़ी देर रुको, निकालो, उसको गुड़ खिलाओ, उसको अच्छा दो, सीधे सीधा काम पर मत लो तो घोड़ा लगाम लेने लग जाएगा, ठीक है। तो अगली बार जब भी हम अब दूसरे वीडियो में आएंगे, तो ये हाइट का जो प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों का कि कैसे पता करें कि छोटे बच्चे हो तो कितनी हाइट लेगा, तो उस पर मैं एक वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी लोग बोलते हैं कि घोड़ी पीछे जाने नहीं देती है, लात लगाती है, तो क्या करें उसके लिए, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बोलते हैं कि हाथ नहीं फिरने देती, लात लगाती है, तो ये सब कुछ हमको करना पड़ता है अपने हिसाब से। जैसे कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ,
उसके ऊपर भी मैं फुल वीडियो आपको बना कर दे दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। देखा आपने इसको कैसे भी कन्विंस हुआ तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से घोड़े को सेट करना पड़ता है, ठीक है, कि हम कहीं पर भी उसको पकड़ ले या तो वो कुछ करेगी नहीं। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि भाई पीछे जाती है तो लात लगा देती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये देखिएगा, हमको पीएल भी चाहिए तो उठा कर दे देती है। फिर सब कुछ कैसे करें उसको, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे चैनल, और कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट में आप बता सकते हो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।